आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आज अनिसाबाद ब्रह्मपुर रोड कुरकुरी पटना में डॉक्टर DY पाटिल पुष्पलता पाटिल इंटरनेशनल स्कूल में सेशन 2023-2024 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिक्किम और मेघालय के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद रहे और डॉक्टर DY पाटिल पुष्पलता पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटनकर्ता बिहार के मुख्य सचिव श्री अमीर सुभानी और बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव और बिहार म्यूजियम के महानिदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह रहे। मौके पर उपस्थित पटना की मेयर श्रीमती सीता साहू समेत सभी अतिथियों ने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक और आधुनिकता की प्रशंसा की और स्कूल प्रबंधन को बिहार में विश्व स्तरीय स्कूल की श्रृंखला को खोलने के लिए आभार व्यक्त किया। आइए सुनते हैं सभी अतिथियों को और स्कूल के संस्थापक और प्रबंधन को। चाइल्ड फ्रेंडली है, फर्नीचर भी बच्चे के साइज का, नर्सरी के सारे चीज़ें, खेल खिलौने, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम सब शानदार है। मैं बधाई देता हूँ रंजन जी को, स्कूल की प्रिंसिपल को, टीचर्स को और गार्जियंस को भी, और शुभकामना देता हूँ इसकी तरक्की की। बच्चे लोग अच्छी पढ़ाई होगी यहाँ पे और इन जितने अगल बगल के गांव हैं वहाँ के बच्चे आएंगे, शहर के बच्चे आएंगे और अच्छा इंतजाम किया है, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, मैं शुभकामना देता हूँ। गांव से कोसों दूर, शहर से कोसों दूर स्कूल खुला है, प्राकृतिक जगह पर है, बच्चे खूब अच्छा से खेलेंगे। जैसे रोड के किनारे रहता है तो बच्चों को डर रहता है एक्सीडेंट का, लेकिन यहाँ पर बच्चे खूब अच्छा, हाँ यहाँ बच्चे एकदम गांव का हवा लेंगे, एकदम शुद्ध हवा लेंगे। और यहाँ स्कूल जो खुला है, दूसरा इनका है, एक घर है जगनपुरा में, एक दूसरा है, तो बहुत अभी अच्छा है। लाइब्रेरी भी बहुत अच्छा है एंड कॉन्फ्रेंस हॉल कभी हम किसी स्कूल में नहीं देखे, जाके अंदर देखिए आप लोग। और यहाँ बच्चे उसमें खेलेंगे भी, और उसके लिए सब स्मार्ट क्लास है, बच्चे के लिए का बेंच वगैरह भी सब अच्छा है, देख लीजिएगा जाके सब। मैं सभी को शुभकामना, सब पटना वासी अपने जल अपने बच्चों के यहाँ एडमिशन कराइए और हॉस्टल भी रहेगा अगले साल से यहाँ बहुत बच्चे कन्फर्ट अपने को कन्फर्ट मालूम करेंगे। और मैं बहुत धनको कि जो हमको बुलाए हैं इंदू रंजन जी को, कि मैं हम सोची कर हाँ हाँ गाँव है कहाँ कुरकुरे फैक्ट्री क्या है, तो पूछते पूछते फिर आ गए। लेकिन मैंने बहुत इधर पिछड़ा एरिया था और हमको लगा कि इस इलाके में बच्चों को शिक्षा सही ढंग से नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे स्कूल का निर्माण किया और शुरू से मैं जीवन भर अपने मैंने पूरे समाज की सेवा में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के भविष्य बच्चे उनको आगे ले चलें, इसलिए मैं आरटीई के बारे में आपका क्या आरटी का जो सिस्टम हो देते हैं, जो सरकार का सिस्टम है उसको हम लोग पालन करते हैं। कभी-कभी स्कूल की तरफ से शिकायतें आती है कि आरटी का जो रिइंबर्समेंट नहीं होता है, इस वजह से लोग इंटरेस्ट नहीं। तो अब तो वो तो आप लोग का है कि शिकायत आप लोग के पास होता है, हम लोग के पास तो कोई ऐसा शिकायत नहीं आता है। हम लोग तो कभी ऐसा कुछ करते नहीं। यहाँ बच्चे के लिए समूचे संपूर्ण विकास की सुविधा है, जैसे कंप्यूटर क्लास है, आपका स्पोर्ट्स है, लाइब्रेरी है, लैब है, खेल कूद के लिए ग्राउंड अच्छे हैं, सब कुछ है, स्विमिंग पूल है, हर चीज़ है बच्चों को डेवलपमेंट के लिए। कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या अभिभावक और बच्चों को, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि बच्चों के यहाँ अपना नामांकन कराएं, बच्चों को जो विकास का है वो हम देंगे सब कुछ, जो अलग प्रदेशों में जो डेवलप है जहाँ है, हम यहाँ जैसे पुणे उने में जो डेवलपमेंट है बच्चों को उस टाइप से यहाँ किए हैं बिहार में। मैम आज स्कूल के बारे में कुछ बताएं। ये हमारा स्कूल फुलवारी शरीफ अनिशाबाद में खुला है, ये DY पाटिल का ब्रांच है, जो हमारा जगनपुरा में ब्रांच है उसी का एक ब्रांच हमने यहाँ पर अनिशाबाद में खोला है। यहाँ पे हमारा मेन मकसद था खोलने का, क्योंकि ये थोड़ा शहर से दूर भी है और यहाँ पे बच्चे अच्छे से ईजिली पढ़ पाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा शहर में शोर शराबा है, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का सोच, बच्चों का विकास, बच्चों का एजुकेशन थोड़ा दब गया है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे स्कूल खोला ताकि बच्चे शांति में पढ़ पाएंगे और सीधे घर से स्कूल आएंगे, स्कूल से घर जाएंगे, क्योंकि टाइम भी बचेगी और यहाँ पे कोई भी जैम्स का भी नहीं रहेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेट्रो हमारी अभी बनना स्टार्ट हुई है, मेट्रो के कारण पूरे शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का
करना पड़ रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो बच्चे लोगों को जाने में भी बहुत टाइम लग रहा है। हमारा मेन मकसद है यहाँ पे खुलने का, और यहाँ पे हमने सारा फैसिलिटीज़ दिया है, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया है, सारे कुछ डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया है हमने। इवन दो लाइक आप देख सकते हैं कि हमारे सारे क्लासरूम में LED पैनलिंग करवाया हमने, यहाँ पे कोई भी ब्लैक बोर्ड सिस्टम हमने नहीं दिया, वी हैव नॉट गिवन एनी ब्लैक बोर्ड सिस्टम, इवन दो नो व्हाइट बोर्ड ऑल्सो, ओनली द टीचर्स आर सपोज टू टीच ओनली ऑन LED पैनलिंग, बिकॉज देर बी लाइक नो एक्स्ट्रा मीडियम, इवन दो मीडियम दैट विल बी लाइक टू डिजिटलाइज, तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड वी हैव मोर फोकस ऑन क्वालिटी rather than focusing on quantity, we have focus on quality, because teachers में quality रहेंगे तो ही वो handle कर पाएंगे LED paneling। इससे आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि हमारे teachers की quality कितनी high profile है, because वो लोग इतने पढ़े लिखे, इतने जगह अच्छे अच्छे स्कूल से आए, इवन तो अलग अलग स्टेट से भी है वो लोग, कोई भी ऐसा नहीं है कि दे आर फ्रॉम पटना, फ्यू ऑफ देम आर फ्रॉम पटना, फ्यू ऑफ देम आर फ्रॉम मुंबई, फ्यू ऑफ देम आर फ्रॉम दिल्ली। तो ये सारे जगह का मिक्सचर ऑफ टीचर्स हमने लाया, कल्चर डाइवर्सिटी भी देखने के लिए आपको मिलेगी बच्चे लोगों में, तो बहुत सारी आधुनिक टेक्निक से बच्चों को पढ़ाई जाएगी ताकि वो अच्छे से याद कर पाए, अच्छे से समझ पाए, बिकॉज रटने वाला चीज़ें होती है तो एक बार बच्चे रटते दो दिन में वो भूल जाते, बट जो उनके दिमाग में ईजली जाएंगे, जो विजुअलाइज वो ज़्यादा करेंगे, तो उनके ये लाइफ लॉन्ग रहेगी। और हमारी मेन फोकस है बच्चे लोगों को IAS ऑफिसर बनाना, IPS, IITian, डॉक्टर, एंड देर आर मेनी मोस्ट लाइक दैट, बिकॉज इवन तो NEP की तरफ से बोला जा गया हम लोगों को, नेशनल पॉलिसी जो हमारे इंडिया की है उसमें सीधे बोली गई कि बच्चे पे ज़्यादा बर्डन्स नहीं देना है, विजुअलाइजेशन पे मोर फोकस करना है, टेक्नोलॉजी का मोर यूज़ करना है। आप ये सारी चीज़ें आप लोग बाहर के विदेशों में देख सकते हैं, विदेशों में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ पे यूज़ किया जाता है, इस वजह से आज वो लोग इतना आगे है। तो अभी हमारी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, इसको हम लोगों को डेवलप कंट्री बनाना है, और जब तक बच्चे हमारे पढ़ेंगे नहीं तब तक